मैं कहता हूं कबीरपंथी का दशा खराब है, झूठ के कबीरपंथी बना है, और सब बात मानता है वो करे, वो जो जो कहेगा वही करेगा, और झूठो के गर्दन में एगो हरदल्ली गरजोड़ा बांध लेगा घूम घूम के खाने के लिए। काम इसका एक भी ठीक नहीं है, सब काम वही पंडित के कहने पर इसका चाचा। एक बात बताइए, इतने लोग बैठे पंडित कभी जजमान को कहा कि जजमान बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए? कोई आदमी बोलिए ईमानदारी से, किसी को आज तक नहीं कहा। वो अपना बेटा बेटी के पढ़ाने के जोगाड़ में है, जजमान को कभी नहीं कहा कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए। जजमान को कभी नहीं कहा मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, तारी दारू नहीं पीना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा करना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, किसी को कहा आज तक? किसी को नहीं। वो क्या राय देगा महिला सबके? कहेगा जजमानी छठ करे के चाहिए, जितिया करे के चाहिए, तीज करे के चाहिए, करवा चौथ माने झूठ वादा कि करवा चौथ करब आ तीज तो अपने के पति के आयु बढ़ जाए। जितना इस सृष्टि में पति आया पत्नी सब मर गया कि है ये, आ जो है सो मरेगा कि रहबे करेगा? केवल झूठ जितिया करवाया बेटा के लिए, आ जितना बेटा हुआ हम लोग भी बेटा है किसी के, मरेंगे कि रहेंगे? मेरी माँ रहेगी कि मरेगी? सबको मर जाना है। अब मौत में आप जितिया से केवाड़ी लगाते हैं कि मौत को बंद कर देंगे? करवा चौथ करके आ कर्मा धर्मा करके आ तीज करके मौत में आप केवाड़ी लगाना चाहते हैं? ये सारा गलत काम झूठ काम ये पंडित आपसे कर, और आप करते जा रहे हैं, रुपया को खर्च करते जा रहे हैं। आपका पति चिमनी में बेचारा ईंटा पार रहा है, आपका पति म्यान में से पका हुआ ईंटा निकाल रहा है, बेचारा के पूरे देह पर कोयला का राख पर के भूत बना हुआ, आ आप घरे बैठल एगो मैक मंगवा ले ली, जाग जाग महादेव। आ मर्दाबा के उन्हें प्याज गिरी है मद्रास, आ जनाना इन्हें जागा जागा महादेव कह दे। यही सब तमाशा चल रहा है। बेचारा कबोरा ढोते ढोते उसका पति बेचैन है, आई मलार गा रही है जागा जागा महादेव। आ एगो बात और ना देखिए, होशियार कितना है, कहती है हरिंदर भैया, तो भैया के पत्नी के लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी तो नीलम के भाभी ना कहना चाहिए, अन्ना नीलम अगर दीदी है तो दीदी के दुल्हा जीजा जी, तो हरिंद्रानंद के जीजा जी कहे के चाहे? एको गो रिश्तो ठीक नहीं है, के समझाएगा के बुझाएगा? सही गलत का भी ज्ञान नहीं है मनुष्य के पास। बंधुओं विचार कीजिए, साहेब कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे, और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर सुख से जीना है, सुख जीवन में पाना है, तो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, उपलब्धि करनी होगी, आमदनी करना होगा, तब आपका जीवन सुखमय बनेगा। लेकिन ये चाहिएगा झाल बजा के आ चर्चा करके मेरे जीवन में सुख आ जाए, कतई संभव नहीं। हम तो कहते हैं सदगुरु कबीर के चर्चा करके कितने कबीर पंथी भजन गाते गाते बुढ़ा के मर गए, अब बेचारे के जीवन में कोई सुख नहीं आया।
मरे हैं ना ऐसे लोग, सुख नहीं है। आप गीत गाने, हाँ ये बात जरूर है, गीत परदेशी जी भी गाते हैं और तबला चंद्रहास भी बजाते हैं। अगर आपका कार्यक्रम सही है, जनता को अच्छा लग रहा है, तो जनता आपको जरूर नोट देगी और उस नोट से आपको सुख हो जाएगा। लेकिन चर्चा, सिर्फ चर्चा में कौन नोट है? जो उसे मुक्ति मिल जाएगी और सुख शांति मिल जाएगी आपके जीवन में, कैसे हो जाएगा? गीत गाने से मात्र, हाँ गीत गाया भरत शर्मा व्यास, भोजपुरी लगन लगाया, रुपया कमा लिया, सुख से जिया। तो बंधुओं, बिना परिश्रम के, तो गीते में परिश्रम किया भरत शर्मा व्यास, आप सिनेमे में परिश्रम कीजिए, आप सर्कसे में परिश्रम कीजिए, आप क्रिकेटे खेलने में परिश्रम कीजिए, आप बिजनेसे करने में परिश्रम कीजिए, आप नौकरिये करने में परिश्रम कीजिए, आप मवेशिये पालने में परिश्रम कीजिए, आप खेतिये करने में परिश्रम कीजिए। जहां परिश्रम होगा, आपका परिश्रम जब खेत में जाएगा, तो खेत हीरा मोती उगल देगी। सत सत मन के कट्ठा लोग आज मकई उपजा रहे हैं। जब परिश्रम जाएगा खेत में, तो गेहूं मकई तोरी आलू गोभी से रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा गाय भैंसी के निकट, तो दूध दही घृत मक्खन मलाई से बिक करके रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा बिजनेस में, रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा नौकरी में, रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा अखाड़ा में, तो आप पहलवान हो जाएंगे, वहीं से आपको आमदनी मिल जाएगा। लेकिन बिना परिश्रम के गीत गा के और भगवान के पूजा करके, एक कुम्हार था, कुम्हार, कुम्हार का टाइटल क्या होता है? पंडित। अब ब्राह्मण का टाइटल क्या होता है? पंडित। दोनों पंडित में दोस्ती हो गई। बहुत दिन बीतने के बाद कुम्हार कहा ब्राह्मण से, दोस्त हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत दिनों से है, लोग कहता है। ब्राह्मण पंडित जी बिल्कुल भगवान के निकट में रहते हैं, जजमान का, जजमान की बात को भगवान के पास ले जाते हैं, अब भगवान जो आशीर्वाद देता है वो जजमान को पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती इतने दिनों से है और तुमने मुझे कभी भगवान से भेंट नहीं कराया, लगता है भीतर भीतर मित्रता में खटास है। ब्राह्मण पंडित जी ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है, मित्रता में कोई गड़बड़ी नहीं है, तुमने कभी भगवान के बारे में हमसे पूछा ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या? तो कुम्हार कहा, आज तो मैं भगवान के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। तो पंडित जी कहे, आज तो पूछ रहे हो तो कल मैं तुमको भगवान से भेंट करा दूंगा। इतना बात सुनने के बाद कुम्हार के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचा, कल तो हमको भगवान मिलेंगे, अब इससे बढ़ के क्या बात है? पंडित जी को बुला के कहा, मित्र हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, एक जोड़ा बाछा मैं पोसिया, मालिक का बाछा है, मैं पोसिया रखा हूं, कल तू भगवान से भेंट कराओगे तो जोड़ो बाछा आपको हम दक्षिणा में दे देंगे, मालिक से हम समझ में। तो पंडित जी, ब्राह्मण पंडित जी भी खुश हो गए, कल एक जोड़ा बाछा मिलेगा फोकट में। कुम्हार पंडित खुश है, कल भगवान मिलेगा। अब ब्राह्मण पंडित खुश है, कल एक जोड़ा बाछा।
जितना खुशहाली इस सोलकन समाज को भगवान से है उतना खुशहाली भगवान से ब्राह्मण को नहीं है। आप दुर्गा जी के पूजा करते हैं, कितना रुपया आपका खर्च हो जाता है, कितने बाल बच्चे परिवार के लोग आकर के मेला में उड़ा देते हैं, इस सोलकन समाज का रुपया खर्च हो जाता है, अब पंडित जी सबके रुपया से घर भर जाता है। वो लोग पंडाल ठेका पर लेता है, यहाँ दुर्गा जी का पूजा कराऊंगा, 20,000 का पंडाल है ठेका पर, कहीं 30,000 का पंडाल है ठेका पर, कहीं 50,000 का पंडाल है ठेका पर, उनका तो कमाई होता है। इस सोलकन सब दुर्गा जी के खोइंचा भर के सतलोक जाएगा, आ पंडित जी रुपया कमा के दोनों जे भी अपन भर लेते, उनको सतलोक से आ दुर्गा जी से कोई मतलब। दुनिया के लोग जाता है बैनाथ धाम सतलोक जाने के लिए भोला बाबा का पूजा करने, अब वहां जो पंडा बैठा है उसको भोला बाबा से मतलब नहीं है, उसको नोट दीजिए, वो रुपया के लिए बैठा हुआ है, उस सतलोक के लिए और स्वर्ग के लिए, अब भोला के पूजा के लिए नहीं, उसको रुपया चाहिए, उसको नोट चाहिए। बंधुओं, इस पर क्या हो गया, बंधुओं क्या हुआ? कल हो के ब्राह्मण पंडित जी वही शालिग्राम पत्थर लेकर के आए और कुम्हार के दरवाजे पर टेबल पर रख दिया और कहा, दोस्त यही है तीन लोग के ठाकुर, विश्वास करोगे ओम धन महल मकान रुपया पैसा खेती बाड़ी बेटा बेटी कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, अगर विश्वास करोगे तब। कुम्हार सोच लिया कि दोस्त तो भारी ठगान हमको ठग दिया, कहा दोस्त खड़ा रहिए और बाछा लेके हम आ रहे हैं। कुम्हार गया आ एक जोड़ा माटी के बाछा बना लिया, मिट्टी के बाछा बना लिया और लाया पंडित जी के दरवाजे पर टेबल पर, वो मिट्टी का बाछा रख दिया और पंडित जी से कहा, दोस्त विश्वास कीजिए 85,000 का जोड़ा है ये, विश्वास कीजिएगा 200 मन बोझा ये बेलदौर पहुंचा देगा, आलमनगर पहुंचा देगा, खगड़िया पहुंचा देगा, आ 10 कट्ठा के कहे एक एक बीघा जमीन ये जोत देगा। पंडित जी बूझ गए हमसे भी तेज है पंडित जी, अपना भगवान लिए और घर का रास्ता पकड़ लिए, अपने घर चले गए। बंधुओं अगर सुख पाना है तो सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग मेहनत कीजिए, धन कमाइए, पक्का का घर बनाइए, इसके स्कॉर्पियो बोलेरो पर चढ़िए, बेटी के विवाह में 10 लाख 20 लाख खर्च कीजिए, बेटा बेटी को अच्छा अच्छा कन्वेंट विद्यालय में ले जाकर के पढ़ाइए, सुख और शांति से जीविए। लेकिन जब कर्म नहीं होगा केवल भगवान वादी बन के आप बैठे रह जाएंगे।